अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक अहम खबर शेयर करने वाली हूँ कि अदाकारा माहिरा खान हमें जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में नज़र आने वाली हैं। तो अगर अभी तक आप सबने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो की जाने। अदाकारा माहिरा खान, जो कि पाकिस्तानी मशहूर अदाकारा हैं और 2017 में शाहरुख खान के साथ रईस फिल्म करके इंडिया में भी शोहरत हासिल कर चुकी हैं, एक बार फिर से इंडियन ड्रामा सीरीज़ में नज़र आने वाली हैं। 2017 में रईस फिल्म करने के बाद पाकिस्तानी तमाम अदाकारों को इंडिया में बैन कर दिया गया, लेकिन इनके इस इंडियन ड्रामा सीरीज से पता चलता है कि पाकिस्तानी अदाकारों को इंडिया में अनबैन कर दिया गया है। अब अदाकारा माहिरा खान हमें जी थिएटर के नए ड्रामा सीरियल यार जुलाहे में नज़र आने वाली हैं। यार जुलाहे को सरमद खोसट डायरेक्ट करेंगे। दास्तान गोई से मुतासरिया ये सीरीज़ कहानियाँ तख्लीक करने और सुनाने की रवायत है जो जनूबी एशिया की तर्जमानी करती है। सीरीज़ का मकसद ऐसे अदीब व मुसन्निफीन को खराज तहसीन पेश करना है जिनके काम ने अदब और टेलीविजन पर गहरे नक्श छोड़े हैं। गुलजार की मशहूर जमाना नज़म यार जुलाहे के अनवान पर इस सीरीज़ में इंतज़ार हसैन, गुलजार सादत हसन मिंटू, असमत चुगताई, मुंशी प्रेमचंद, असद महमद खान और दीगर भारतीय पाकिस्तानी मुसन्निफीन की कहानियां शामिल की गई हैं। ये ड्रामा सीरियल 12 एक साथ पर मुश्तमिल होगा और माहिरा खान शुरू की एक साथ में नज़र आने वाली हैं। इस ड्रामा सीरियल की नशरियात 15 मई 2021 में मतवक्के हैं। माहिरा खान ड्रामे के शुरू की एक साथ में पाकिस्तान के मशहूर शायर अहमद नदीम कासमी की स्टोरी गुड़िया पढ़ती हुई नज़र आएंगी। माहिरा खान के अलावा इस ड्रामे में दीगर अदाकार भी देखे जाएंगे जिनमें इरफान खोसर, यासरा रिजवी, सरवत गिलानी, फवाद खान, सानिया सईद, समिया मुमताज़ और फैसल कुरैशी शामिल हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सबको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।